नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं रामलाल माली और आप देख रहे हैं शामगढ़ मंडी भाव यूट्यूब चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या बिका है मंडी में भाव। आवकों की अगर बात कर ली जाए तो आव के बम्पर हुई हैं। अभी की स्थिति में मंडी पर गेट बंद है, कुछ ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी जिन्सों के क्वालिटी अनुसार क्या रहे भाव। कल शनिवार और रविवार दो दिन की छुट्टी रहेगी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जी, या जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, या साथ में आए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मेथी बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 6,000 रुपए प्रति क्विंटल मेथी क्वालिटी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। बढ़िया मेथी है, साफ मेथी है, करीब 5 बोरी मेथी है जो आज 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में बिकी है। 6,195 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मेथी बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 6,195 रुपए प्रति क्विंटल। आप देख सकते हैं क्वालिटी 6,195 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मेथी बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं क्वालिटी आपके सामने है, बढ़िया मेथी है, करीब 3 बोरी मेथी है। 5,680 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये सोयाबीन बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 5,680 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन क्वालिटी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। सोयाबीन 20-34 वेरायटी है, आप देख सकते हैं करीब 5 बोरी सोयाबीन है। 1,981 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज गेहूं बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 1,981 रुपए 1,981 रुपए प्रति क्विंटल। आप देख सकते हैं गेहूं की क्वालिटी मेरे हाथ में 1,981 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिका है गेहूं, करीब 5 बोरी गेहूं है। 6,401 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मसूर बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 6,401 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है मसूर। क्वालिटी आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी है, साफ माल है। 6,401 रुपए प्रति क्विंटल मसूर क्वालिटी आप देख सकते हैं, करीब 5 बोरी मसूर है। 5,612 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये उड़द बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 5,612 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये उड़द बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं उड़द की क्वालिटी 5,612 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये उड़द बिका है। उड़द एक करीब 1 बोरी उड़द है, आप देख सकते हैं उड़द 1,381 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है मक्का शामगढ़ मंडी में। देख सकते हैं 1,381 रुपए 1,381 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है मक्का शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं मक्का की लाल मक्का है, बढ़िया मक्का है, नई मक्का है। 1,381 रुपए प्रति क्विंटल करीब 8 बोरी मक्का है। 5,551 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज उड़द बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 5,551 रुपए प्रति क्विंटल 5,551 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये उड़द बिका है। उड़द की क्वालिटी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बढ़िया उड़द है, साफ उड़द है, 5,551 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा गाँव दिया? कई लाया था उड़द? कई भावी क्या? 4,000। कई नाम है? 4,790 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिका है उड़द। उड़द की क्वालिटी आप देख सकते हैं 4,790 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज उड़द बिका है। उड़द की क्वालिटी आप देख सकते हैं 4,790 रुपए प्रति क्विंटल। क्वालिटी आप देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का माल है, करीब करीब 5 बोरी है। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज उड़द बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। आप देख सकते हैं क्वालिटी मेरे हाथ में, इसके अंदर मिट्टी है। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिका है शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं करीब 3 बोरी उड़द है। 5,001 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये असालिया बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 5,001 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज असालिया बिका है शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, साफ माल है, करीब 3 बोरी असालिया है जो आज 5,001 रुपए में बिका है। 1,500, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
51 12 3 11 12 7251 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये सरसों बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 7251 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिका है सरसों शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं क्वालिटी आपके सामने है। 7251 रुपए प्रति क्विंटल करीब एक बोरी सरसों है। ₹3,900 प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं ₹3,900 प्रति क्विंटल की लहसुन बिकी है। आप देख सकते हैं मिक्स क्वालिटी का माल है, इसके अंदर लड्डू क्वालिटी का माल भी शामिल है, क्वालिटी मिक्स है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बड़ा माल भी है, छोटा माल भी है, सभी तरह का माल है। करीब 10 कट्टा लहसुन है। 4,412 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 4,412 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं 4,412 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है। लहसुन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बढ़िया माल है, लड्डू क्वालिटी का माल है, ठोस माल है। करीब 5 कट्टा है। 7,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज लहसुन बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं लहसुन की क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी लहसुन है, साफ लहसुन है। 7,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, फुल गोला साइज है, लड्डू क्वालिटी का माल है। आप देख सकते हैं 7,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है। करीब एक क्विंटल लहसुन है, बिजवारा का माल है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है शामगढ़ मंडी में। 4,700 रुपए प्रति क्विंटल, आप देख सकते हैं 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये लहसुन बिकी है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बढ़िया माल है, देसी माल है, लड्डू क्वालिटी का माल है, बिजवारा माल है। आप देख सकते हैं करीब 10 कट्टे लहसुन है। ₹4,912 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है सोयाबीन शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 4,912 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये सोयाबीन बिकी है शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बड़ा लाट है, 4,912 रुपए प्रति क्विंटल, करीब 10 बोरी सोयाबीन है। क्वालिटी आपके सामने है। 1,241 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मक्का बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 1,241 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मक्का बिकी है शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मक्का गीली है, नई मक्का है, 1,241 रुपए प्रति क्विंटल। क्वालिटी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, करीब 6 बोरी मक्का है। 4,181 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये सोयाबीन बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 4,181 रुपए प्रति क्विंटल। आप देख सकते हैं क्वालिटी मेरे हाथ में है, 4,181 रुपए प्रति क्विंटल, 4,181 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है सोयाबीन। सोयाबीन क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसके अंदर मिट्टी है, क्वालिटी थोड़ी हल्की है। 3,900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये उड़द बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 3,900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये उड़द बिका है शामगढ़ मंडी में। उड़द की क्वालिटी आप देख सकते हैं, थोड़ा हल्की क्वालिटी का उड़द है, उड़द बाबड़िया है, हल्की क्वालिटी का उड़द है। 3,900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिका है शामगढ़ मंडी में। करीब 4 बोरी उड़द है। 4,296 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये चना बिका है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 4,296 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये चना बिका है शामगढ़ मंडी में। चने की क्वालिटी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, 4,296, करीब 5 बोरी चना है। 5,351 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये सोयाबीन बिकी है। आप देख सकते हैं क्वालिटी 5,351 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन सूखा है, सोयाबीन साफ सोयाबीन है, इसमें इतनी मिट्टी नहीं है। आप देख सकते हैं सोयाबीन क्वालिटी मेरे हाथ में, 5,351 रुपए प्रति क्विंटल, करीब 3 बोरी सोयाबीन है। 1,390 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मक्का बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 1,390 रुपए, 1,390 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये बिकी है मक्का शामगढ़ मंडी में। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बढ़िया मक्का है, साफ मक्का है, नई मक्का है। 1,390 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज बिकी है। क्वालिटी आप देख सकते हैं।
1290 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मक्का बिकी है शामगढ़ मंडी में। आप देख सकते हैं 1290 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में आज ये मक्का बिकी है शामगढ़ मंडी में। मक्का देख सकते हैं आप, नई मक्का है, पीली मक्का है, 1290 रुपए प्रति क्विंटल। क्वालिटी आप देख सकते हैं, बढ़िया मक्का है, साफ है। ये काम किसान संघ का नहीं है, किसान संघ ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि ऐसे काम में हमारा जो संगठन है उसने ऐसा महसूस किया है कि इससे संगठन बिखरता है, लोगों को मुकदमे दायर हो जाते हैं, देर हो जाती है, और जो बात न्यायिक होती है, वाजिब बात होती है, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन भी इसको सुनता है और पूरी करने की कोशिश करता है, पर मांग जो है वो वाजिब होना चाहिए। भारतीय किसान संघ का मूलतः तीन काम है, पहला संगठनात्मक, तो संगठन में क्या है कि सबसे पहले गांव की समिति होना चाहिए। अब हम यहाँ लोग कितने गांव के लोग बैठे हैं, हर गांव की एक समिति होना चाहिए, समिति में 11 मेंबर, गांव यदि छोटा है तो, यदि गांव बड़ा है तो उसमें 21 मेंबर होना चाहिए, ताकि और उनकी मीटिंग हर महीने होना चाहिए। गांव की समिति मजबूत होना चाहिए और प्रत्येक महीने उसमें मीटिंग होना चाहिए, और मीटिंग में यह तय होना कि हमारे गांव में कैसा समिति, उसके बाद में तहसील स्तरीय समिति होती है, तहसील स्तरीय समिति के बाद में जिला स्तरीय और संभाग स्तरीय और राज्य स्तरीय समिति होती है, और फिर पूरे राष्ट्रीय समिति होती है। तो ये भारतीय किसान संघ की जो धारणा है ये है कि संगठन मजबूत है। संगठन मजबूत तब होगा जब सभी समितियाँ बराबर बराबर ईमानदारी से अपना काम करें, कोई भी समस्या हो तो गांव वाले समस्याओं को जान करके अपनी समस्या जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय समिति जो बैठक होती है उसमें प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई हल है नहीं, हल तो कहां पर मिलेगा, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो ये जो काम है, गांव वाले अपनी समस्याएं कहाँ होती है मूलतः गाँव में, किसानों में समस्याएं इतनी हैं कि किसान समस्याओं में ही मरता है और समस्याओं में जीता है, हर एक बात की समस्या जहाँ पे जाए वही समस्या है। उदाहरण के लिए जैसे अपन मंडी में आए तो यहाँ पे कई समस्याएं हैं, या ये सही प्लान नहीं हो रही है, कई टोल प्लानों में अंतर होता है, कहीं भाव सही नहीं मिलता है, कहीं दो दिन में निगरानी होती है, कहीं तीन दिन में होती है, इन सब समस्याओं को हल करना और हल करना ये नहीं, समस्या नहीं बताना, समस्या के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए, अच्छा क्या हो सकता है, ये अपन को बताना पड़ेगा तो अपन आगे बढ़ेंगे और उसका पालन भी होगा। इसी प्रकार से हाँ आगे सब चाहे आगे नहीं आगे नहीं नहीं आगे आगे बाद में कर। तो ये है कि अपन सबसे पहले संगठनात्मक स्थिति अपनी मजबूत होना चाहिए, संगठन हर गांव में होना चाहिए, और हम जो किसान लोग हैं अभी तक क्यों ठगा रहा है, क्योंकि गांव में हमारा कोई संगठन नहीं है, गांव में एक गेट के बाहर की लाइन ये मंडी गेट के बाहर की लाइन है, आप देख सकते हैं